नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। हर बार हम आपके सामने कुछ नई खबरें लेकर आते हैं, लेकिन आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो बेहद खास है। खास इसलिए कि वो आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा ये जानना कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बदौलत अपनी पहचान बनाते हैं और आगे बढ़ने के लिए हर मुश्किल से लड़ने को हर वक्त तैयार रहते हैं। हम बात कर रहे हैं केरी कैंपस के कामयाबी की। केरी कैंपस की कामयाबी की कहानी सुना रहे हैं हम आपको। प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के इस युग में केरी कैंपस आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। केरी कैंपस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है इस संस्था की प्रधान नीतू सिंह ने। अपनी कड़ी मेहनत से नीतू ने केडी को केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। केडी कैंपस के संस्थापक और डायरेक्टर केडी सिंह के सपनों को उनके बाद नीतू ने पूरी लगन और मेहनत से पूरा किया। केडी कैंपस आज देश भर में बेहतरीन शिक्षा संस्थानों में शुमार किया जाता है। केडी कैंपस उन अभ्यर्थियों के लिए एक सौगात की तरह है जो एसएससी, बैंक पीओ, एसएससी जेई, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एयरफोर्स, एसएससी जेई, एसएससी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, मेडिटेक फाउंडेशन कोर्सेज, स्टेट पुलिस ऑफिसर एग्जाम्स, क्लैट, एलएलबी, एंट्रेंस एग्जाम्स जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम पास करना चाहते हैं, उनके लिए केडी कैंपस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लाता है। केडी कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स खुद मानते हैं कि इससे बेहतर संस्थान उन्हें नहीं मिल सकता था। इस सफलता की मिसाल वो स्टूडेंट्स खुद हैं जिन्होंने केडी कैंपस के जरिए अपने सपनों को पूरा किया है और इस कामयाबी का श्रेय जाता है केडी के फाउंडर और डायरेक्टर नीतू सिंह को। इस कामयाबी के संघर्ष की लंबी कहानी है जो हम आपको केडी कैंपस की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि निम्स यूनिवर्सिटी लगातार आगे बढ़ रहा है, अपने पांव पसार रहा है और करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में बच्चों को जागरूक कर रहा है, उन छात्रों को जागरूक कर रहा है जो छात्र ये समझ नहीं पाते या फिर वो अपने आप को उस कदर नहीं ढाल पाते जिसके लिए वो बने हैं, या फिर उस कोर्स में वो एडमिशन नहीं ले पाते जिस कोर्स में उनकी दिलचस्पी है। उनकी दिलचस्पी को और उभारने के लिए बीड़ा उठाया है निम्स यूनिवर्सिटी ने और निम्स यूनिवर्सिटी लगातार करियर काउंसलिंग क्लासेस तमाम जगहों पर चला रहा है। देश के हर एक कोने में निम्स यूनिवर्सिटी के काउंसलर्स जा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं, उन लड़कियों को जगा रहे हैं जो लड़कियां ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती किसी वजह से, उन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है लगातार निम्स यूनिवर्सिटी। और निम्स यूनिवर्सिटी के इस करियर काउंसलिंग क्लास में पहुंची नीतू सिंह जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड की। जरा सोचिए, ये एक बेहतरीन मौका है जब इस मौके पर दो शिक्षण संस्थान आपस में मिलते हैं, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं जिन बच्चों को आगे बढ़ना है, कुछ करना है और देश का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। जब ऐसे दो शिक्षा जगत के धुरंधर एक साथ जुड़े तो जाहिर तौर पर ये बात बेहद आसान हो जाती है समझने में कि शिक्षा के क्षेत्र में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। सरकार बेहतर कर रही है, लोगों को आगे बढ़ा रही है, छात्रों को आगे बढ़ा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन जब एक आम इंसान जब खास बनता है, उसकी एक तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक आम इंसान किस तरीके से हर उस छात्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है जो छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही आम इंसान खास बनके उन लोगों को प्रेरणा देता है, उन लोगों को आगे बढ़ने की शिक्षा देता है जो निम्स यूनिवर्सिटी कर रहा है और जो केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है। तो निम्स यूनिवर्सिटी लगातार अपने पांव पसार रहा है, निम्स के बढ़ते कदम हैं और इसी बढ़ते कदम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केडी कैंपस की कामयाबी की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो केडी कैंपस है जिसमें आप तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर सकते हैं। पूरे दिल्ली में, दिल्ली समेत तमाम जगहों की अगर बात करें, 7 स्टेट्स, 26 सेंटर्स, 300 क्लासरूम्स, 250 से ज्यादा बच्चे, महज 1.5 साल में ये कामयाबी, 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे,
डेढ़ साल में महज ये कामयाबी हासिल हुई है केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड को। ये एक महज कामयाबी नहीं है, ये भरोसा है उन छात्रों का केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड पर, जो छात्र ये भरोसा करके इस संस्थान में पहुंचते हैं कि उनके लिए अब कुछ बेहतर होगा और केडी कैंपस उनके लिए कुछ खास लेकर आया है। क्योंकि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना बहुत आसान नहीं होता है, उन बच्चों को बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, एक बेहतर मार्गदर्शन की, एक बेहतर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और उस बेहतर मोटिवेशन के लिए उन्हें एक मोटिवेटर की आवश्यकता होती है और वही मोटिवेटर है केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड और उस केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड की मोटिवेटर नीतू सिंह है। तो केडी कैंपस लगातार कामयाबी की इबारत लिखता जा रहा है और इसी कामयाबी की इबारत लिखते लिखते केडी कैंपस ने यह बेहतर मुकाम हासिल किया कि आज 7 स्टेट्स में 26 सेंटर हैं केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड के, 300 क्लासरूम्स हैं, 2.5 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों का भरोसा है केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड पर। तो केडी कैंपस की एक छोटी सी कहानी हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाते हैं। और उस गलती ने आज नीतू सिंह को कहां पहुंचा दिया, पैसों की लालच नहीं, मेहनत का नतीजा है। बहुत संघर्ष किया इस महिला ने और आगे बढ़ी, रिजेक्ट हुई, लेकिन अब क्या, बढ़ी, सफलता की इबारत लिखी। अपने निजी जीवन में बेहद परेशान रही ये महिला और इस महिला ने आज एक ऐसी संघर्षशील महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई है जो देश की हर महिला के लिए एक मोटिवेशन है। केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा संस्थान जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां, उससे रिलेटेड सारे गुर सिखाए जाते हैं और एक अकेली महिला ने, जिनका नाम नीतू सिंह है, उन्होंने इस केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड को एक नया आयाम दिया है। आज आप न्यूज इंडिया के साथ केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड की कहानी देख रहे हैं। तो केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड और निम्स यूनिवर्सिटी, ये दो ऐसे संस्थान जहां पर आप पढ़ते हैं, शिक्षा सिर्फ महज शिक्षा ग्रहण नहीं करते, यहां पर आप हर वो संस्कार सीखते हैं, हर वो डिसिप्लिन सीखते हैं जो आपकी अपने निजी जीवन में जिनकी बेहद जरूरत होती है। आज इस मौके पर हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराना चाहूंगी। हमारे साथ पंकज सिंह जी हैं, निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। हमारे साथ माया चौधरी जी हैं जो कि केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड की सीनियर सीईओ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है माया जी। हमारे साथ जिसको लेकर हम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपके सामने हाजिर हुए हैं और जिस कार्यक्रम का मकसद उनसे आपका परिचय कराना है, वो नीतू सिंह हैं। नीतू सिंह फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड की, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीतू सिंह जी। एक बेहतर मौका और एक ऐसा मौका जब ऐसे शख्स हमारे बीच बैठते हैं, ऐसे 3 शख्स हमारे बीच इस वक्त बैठे हुए हैं जिनसे रूबरू होने का आज हमें मौका मिला है और जिनके बारे में हमें सुनने का मौका मिला है, तो जिसके लिए हमने आज ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सबसे पहले हम उनसे बात करना चाहेंगे। नीतू सिंह जी, सबसे पहले मेरा एक सवाल होगा आपसे,
केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड आज एक बेहतर मुकाम जिसने हासिल किया है। आज बच्चों की इमेज में अगर सबसे पहले कोई इंस्टीट्यूशन आती है तो केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड की आती है। कैसे खड़ा किया इसे, कहां से प्रेरणा मिली? केडी कैंपस की स्थापना तो 2015 में हुई है जी, लेकिन केडी कैंपस को जो हमने स्टार्ट किया था जी, तो उस समय मैं बहुत ही परेशान हुई जी, क्योंकि इसके पहले मैंने 2005 में जो स्थापित किया था वो पैरामाउंट कोचिंग सेंटर स्थापित किया जी, और उसमें अकेला मेरा मेहनत था। इनफैक्ट मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको दो डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है जी, तो उन दो डायरेक्टर्स से मैंने अपने हस्बैंड को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद फिर वो टसल शुरू हो गया। आई वर्कड, ही स्पेंड द मनी, द करोड्स ऑफ मनी दैट आई अर्न, और उसके बाद 2015 में मेरे पर उन्होंने हमला करवा दिया बाउंसर से, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी पकड़ ली थी कि रसीदें कट रही है, पैसा उनके पास जा रहा है और रसीद बुक्स कहीं और जाके डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो वो चेक करने में जब मुनीरका पहुंच गई तो वहाँ पर मेरे पर बाउंसर ने हमला किया था जी, जो लगभग दो दिन तक सारे टेलीविजन में चला है जी। लेकिन मैं जब बहुत परेशान हो गई तो मुझे लगा फिर उसी गंदगी में लड़ झगड़ के रहने से अच्छा है, अगर ठीक है ज़िंदगी में स्ट्रगल लिखा है तो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमारा तो था कि ठीक है स्ट्रगल ख़त्म हो गया, अब ज़िंदगी आराम से कटेगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान ने स्ट्रगल लिखा है तो स्ट्रगल करते हैं, और फिर मैंने केडी कैंपस की स्थापना कर दी। बिल्कुल, तो इसके पीछे की कहानी आपने जरूर सुनी कि किस तरीके से केडी कैंपस की स्थापना हुई, हस्बैंड ने क्या किया, नीतू सिंह ने क्या किया और कहां तक आगे बढ़ी। नीतू सिंह की अपनी सिस्टर हैं, बड़ी बहन हैं माया चौधरी जी, उनसे बातचीत करते हैं। वो सीईओ हैं, सीनियर सीईओ हैं दरअसल केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड की। माया जी, बहन इतनी बुरी स्थिति में थी, एक वक्त ऐसा था जब वो संघर्ष कर रही थी, उस वक्त बहन का साथ देना, ये एक ऐसा बेहतर कोलैबोरेशन बहन से बहन का होता है जो बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने इनका साथ इसलिए नहीं दिया कि ये मेरी बहन है जी, मैंने सच्चाई का साथ दिया जी, क्योंकि ये सच के साथ थी और इसके साथ बहुत गलत हो रहा था जी, इसलिए मैंने इनका साथ दिया, और कोई रीज़न नहीं। बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चूँकि मैं भी एक लड़की हूँ, तो क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं को जिनको उनके घर से किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है? नहीं, महिला को आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन डू दिस, और हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगी तो मुझे नहीं लगता है कोई रुकावट उसका काम आएगी, वो बढ़ती ही रहेगी। बिल्कुल, तो सच्चाई के साथ बढ़ना बेहद ज़रूरी हो और तब वाकई किसी तरीके की रुकावट नहीं आती। हमारे साथ पंकज सिंह जी हैं, निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। पंकज जी, एक लड़की जब आगे बढ़ती है, एक महिला जब आगे बढ़ती है, उस वक्त सबसे बड़ा सवाल कि जब एक पुरुष आगे बढ़ता है तो कहते हैं कि महिला की उसके कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नीतू सिंह जी आगे बढ़ी लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे उनके हस्बैंड का हाथ नहीं था, उनकी कामयाबी के पीछे उनका अपना हाथ था, उनकी अपनी बहन का हाथ था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब भी कोई इंसान कामयाब होता है तो उसमें बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है जी, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन 1% होता है जी, 99% उसका अपना कंट्रीब्यूशन होता है जी। तो ये एक हार्ड वर्क, एक परसिवियरेंस मेल फीमेल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता जी। तो मेरी थिंकिंग ये है कि मेल हो या फीमेल, द रूल्स ऑफ गेम आर सेम फॉर बोथ ऑफ ऑल ऑफ अस। तो ये एक हार्डवर्क परसिवियरेंस है नीतू जी का जो उनको आज यहाँ तक लेके आया, फिर उनका टीम वर्क एंड एवरीथिंग इज देयर। पंकज जी, निम्स यूनिवर्सिटी लगातार आगे बढ़ रहा है, कुछ बेहतर करने की कोशिश लगातार निम्स यूनिवर्सिटी कर रहा है, तमाम जगहों पर पूरे देश में हर एक कोने कोने में निम्स यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है, काउंसलिंग क्लासेस चलाए जा रहे हैं, करियर काउंसलिंग क्लासेस, जहां बेहतर शिक्षा बच्चों को मिल सके और वो चूज कर सके कि वो किस कोर्स के लिए बने या फिर कौन सा कोर्स उनके लिए बना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज की डेट में जो मेरा फर्स्ट एम है वो है कि निम्स को, आई वॉन्ट निम्स टू बी द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन कमिंग फास्ट 5 years। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो सबसे अलग हटके हो, हमें जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक जाना होगा। तो जैसा नीतू जी से मेरा डिस्कशन हुआ, प्रॉब्लम आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना नहीं, प्रॉब्लम है कि नॉलेज के साथ एग्ज़ाम निकालना जे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो MAT या JNU या LPU से नहीं, हमारा कॉम्पिटिशन अपने आप से है जे। हमें अपना बार इतना रेज करना है कि हम लोग अपने आप से ही कॉम्पिटिशन करें। वो सिर्फ
एक हार्ड कोर वर्क और एक हार्ड कोर नॉलेज के थ्रू ही एग्जीक्यूट हो सकता है. तो जैसे केडी कैंपस है एंड द वर्क दे आर डूइंग, इफ यू ज्वाइन हैंड्स टुगेदर, ये एक स्टूडेंट्स के लिए इट विल बी अ बून, इट्स ब्लेसिंग फॉर देम. पंकज जी, आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमने देखा है जो चीज़ें हमने अब तक देखी हैं उसके मुताबिक मैं आपसे पूछ रही हूँ. आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, निम्स यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, जिस मुकाम पर आज निम्स यूनिवर्सिटी है उससे और कहीं ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं, हर वो मेहनत कर रहे हैं जो छात्रों को एक सेफ फ्यूचर दे सके. यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बड़ी बड़ी जगहों पर काम कर रहे हैं और लगातार पढ़ाई में भी आगे हैं, डिसिप्लिन में भी आगे हैं. कितना वक्त लगा इन तमाम चीज़ों को करने में और कितनी कामयाबी अभी फ़िलहाल आपको हासिल हो रही है? अभी तो शुरुआत है और सबसे जो डिफ़िकल्ट फेज़ होता है वो किसी भी लड़ाई की शुरुआत होती है जी. क्योंकि ये समझ नहीं आता जाना कहाँ है जी. फिर भी आपको अपनी डायरेक्शंस को ढूंढनी है जी. तो इसी अंधेरे में जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी. तो इनिशियल स्टेज पे हम लोगों ने जो संकल्प लिया है, जो बीड़ा उठाया है, ठीक है, इट विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू अ टीम वर्क. लेकिन मेरा मानना है कि लीडर को सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जॉब है कि उसको विजन होना चाहिए, ठीक है. तो दैट विजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज फार एज वी नो कि वेयर वी आर गोइंग विल रीच देयर. बिल्कुल. तो ये चीज़ें अभी हम लेके चल रहे हैं साथ में. और एज आई सेड अर्लियर कि निम्स को वी वॉन्ट निम्स टू बी द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू स्टार्ट विद एंड देन इन वर्ल्ड. बिल्कुल. तो विजन क्लियर होना चाहिए, टारगेट क्लियर होना चाहिए और यही विजन यही टारगेट लेके चल रहा है निम्स यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड. नीतू सिंह जी हमारे साथ हैं. नीतू सिंह जी, केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड ये एक ऐसा नाम है जिस नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होगी. केडी कैंपस नाम ये कहाँ से आपने सोचा? केडी नाम मेरे फादर का है, कृष्णदेव सिंह. और जब मैं बहुत परेशान हो गई तो मैंने बस, एक होता है ना जब परेशान होते हैं तो आपको कोई अपना याद आता है. बिल्कुल. बस उसी समय मैंने डिसाइड किया जो करना है वो अपने फादर के नाम पे करना है. आप मेरे सारा नाम छीन सकते हैं, मैंने पैरामाउंट बनाया था. और क्यों नाम मैंने चुना था वो भी मैं जानती थी, रीज़न मैं जानती थी. इनफैक्ट जब मैंने पहली बार सजेस्ट किया था कि मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम पैरामाउंट रखूँगी, उस समय मेरे हस्बैंड आरोहण चलाते थे, आईएएस, आरोहण आईएएस चलाते थे. तो उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि पैरामाउंट का मतलब क्या है. फिर मैंने कहा कि अब मैं ऐसा नाम रखूंगी जो मेरा होगा, जिसको मेरे से कोई छीन भी नहीं सकता है और मुझे कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी कि ये नाम मेरा है और मैं मुझे सबूत दिखाने की जरूरत नहीं होगी. इसलिए मैंने अपने फादर के नाम पर रख लिया. बिल्कुल. एक बेटी और एक पिता का बॉन्डिंग नीतू सिंह और इनके पिता की बॉन्डिंग की तरह है. बिल्कुल. और यही अक्सर हम देखते हैं अपनी निजी जीवन में भी. नीतू सिंह जी, आपका टैगलाइन जो केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड का टैगलाइन है, चैरिटी फर्स्ट, इसका मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगी. मैम, अगर देखा जाए तो मार्केट में आज जो कॉमन कोर्सेज है जी, उसका कॉस्ट होना चाहिए था, ये जो इसके फी होनी चाहिए थी वो अराउंड 24,000 रुपीज़ होनी चाहिए जी. 24,000 रुपीज़ फॉर द कोर्स, जो आज मैं 12,000 में करा रही जी. और मैं जो मार्केट में आ गई हूँ, सारे इंस्टीट्यूट्स परेशान हैं क्योंकि मैं 12,000 में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हूँ विद गुड स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन फैसिलिटी और इतनी फैसिलिटीज कोई भी इंस्टीट्यूट 12,000 में देकर सर्वाइव नहीं कर सकता जी. लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स का विश्वास मेरे साथ है, स्टूडेंट्स मेरे साथ इतने जुड़े हुए हैं कि वो मेरे पास भारी संख्या में आते हैं जी. जब स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा हो जाता है. बिल्कुल. इसीलिए सबसे पहला तो मेरा चैरिटी फर्स्ट टैगलाइन इसीलिए है कि स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल बहुत कम रेट में बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रही हूँ. इसके अलावा केडी कैंपस का एक फिक्स परसेंटेज पर मंथ केडी मेमोरियल ट्रस्ट को जाता है जी. और वहाँ से बहुत सारे चैरिटी होते हैं जिसमें हमारे जो 15 मेरी डॉटर्स अडॉप्टेड उनका पूरा खर्च चलता है. प्लस बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं, ओल्ड एज होम है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो रियली में बहुत नीडी है, जो फिजिकली इतने हैंडीकैप है कि सर्वाइव नहीं कर सकते जी. उन सबको 5,000-10,000 पर मंथ चेक्स जाते हैं. तो इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि आप चाहे जितना भी कमा लीजिए, कभी भी आपकी अपनी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है ना जो जितना हो उतना कम लगता है. और मेरा मानना है कि ये इस ग्रीड को पहले तो शांत करना पड़ेगा आपको जी. और संचय किसके लिए करना है, मेरा एक ही बेटा है, मैंने स्ट्रगल किया है, उसे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे बना बनाया बहुत कुछ मिल जाएगा. लेकिन बैठ के खाने के लिए इतना तो मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी कि आप जिंदगी भर बैठ के खाओ और अय्याशी करो. इसीलिए
मैं चैरिटी कर रही हूँ। चैरिटी कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से ही दान पुण्य शुरू करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और अक्सर ये चीजें बहुत कम तमाम जगहों पर देखने को मिलती हैं कि कोई एक बहुत फेमस इंसान जिसके पास नेम हो, फेम हो, अपार शोहरत हो, दौलत हो, वो इंसान दान पुण्य करे, ये बहुत एक बार में सोचने वाली बात नहीं होती। लेकिन नीतू सिंह जी ऐसा करती है। 15 गर्ल्स को आपने अडॉप्ट किया है नीतू सिंह जी, उन लड़कियों को अडॉप्ट किया है जो नीडी हैं, जैसा आपने कहा मैम। उसमें से जैसे एक लड़की है जो जिसको भीख मांगा जाता था लेके, आपने हमेशा देखा होगा जो भिखारी भीख मांगते हैं बच्चों को लेके, वो बच्चे रोते होते नहीं है, वो हमेशा सोए रहते हैं, उनको ड्रग किया जाता है। एक तो वो लड़की है, एक है जिसके माँ बाप दोनों भाग के छोड़ के वो झोपड़ी में पड़ी हुई थी, रो रही थी, दूसरे या तीसरे दिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हमें बताया। तो ऐसे लोग हैं, अराउंड 15 लड़कियाँ हैं। अब वो सब अच्छी इंग्लिश बोलती है, बहुत खुश है, थोड़ी ग्रो अप भी कर गई है क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं उनको अडॉप्ट किए हुए, और सब गुड पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है। तो नाउ दे आर माई डॉटर्स, अब उनमें ये घमंड भी आ गया है कि दैट माई मामा इज वेरी रिच। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। और नीतू सिंह जी, केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ तक बढ़ाने के लिए, इतने आगे तक ले जाने के लिए, 7 स्टेट्स में रन भी कर रहा है, 26 सेंटर्स हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ किया आपने महज 1.5 साल में, सिर्फ 1.5 साल में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है आपने। और ऐसी महिलाएं, ऐसी सफल महिलाएं, ऐसी सक्सेसफुल महिलाएं, मैं अपना पर्सनल व्यू आपके सामने रख रही हूं कि मैंने बहुत कम देखी हैं। इतना सब कुछ हासिल किया, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करती होंगी आप। मैम, ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया किया मेरे साथ, मैं आपको बता रही हूँ। 1.5 साल पहले मैं सोच रही थी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय मैंने तो कोई पाप नहीं किया था। अपने आप सारे पाप याद करने लगते हैं अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो फिर लगता है नहीं मैंने तो पुण्य किया था, मैंने तो हमेशा डोनेशन दिया है, सब कुछ अच्छा किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होना है तो कुछ बहुत बुरा होगा, जरूर होगा, और उस समय अपने आप को संभाल के रख लें, क्योंकि आपको पता ही है जब तपता है तभी सोना कुंदन बनता है, और अगर हीरा बनना है तो वो हीट और वो प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा लाइफ में। मुझे लगता है मेरे साथ जो हुआ है, भगवान ने जो किया है बहुत सही किया है। आज मैं ज्यादा सुखी हूँ, ज्यादा खुशी दिखती होगी मेरे चेहरे से आपको, 2 साल पहले आपने मुझे नहीं देखा होगा, 2 साल पहले से अब भी जो मुझे देखते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल रिवर्स गियर में चल रहे हो आप, क्योंकि आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम नाउ सेटिस्फाइड। कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, जी बिल्कुल, आई एम हैप्पी नाउ। बिल्कुल, यू आर हैप्पी नाउ। नीतू सिंह जी, निम्स यूनिवर्सिटी आप आए, पंकज जी से आपकी मुलाकात हुई, निम्स यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करना आपने सोचा है, क्या लगा सबसे पहले फर्स्ट साइट में आपने निम्स यूनिवर्सिटी को किस नजरिए से देखा? मैं निम्स में आने से पहले मैं पंकज जी से मिली जी। और मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मेरे पास ऐसा इंप्रेशन था शुरू से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए कि वो सिर्फ बच्चों को पकड़ के लाते हैं, एक डिग्री थमाते हैं और वो बाहर निकल के फिर नौकरी खोजते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाले प्लेसमेंट के लिए आप कंपनीज भी बुला लेते हैं एंड हायर एंड फायर पॉलिसी होता है, भाई मेरे पास तो डेटा आ गया, मेरे पास इतने लोगों ने जॉब लिया, अब उसको वो जॉब दिए, दूसरे दिन निकाल दिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ यूनिवर्सिटीज वाले को कोई मतलब नहीं होता। तो ये इंप्रेशन मेरा हमेशा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए रहा है। आपको मैं बताऊं, पंकज जी का कहना था कि नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्प्लॉयबल बने, हम डिग्री नहीं देना चाहते, हम उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना चाहते हैं, एंड बस ये डिफरेंस है निम्स में जो मैंने पाया, ये इनको बिल्कुल अलग करता है बाकी यूनिवर्सिटीज से कि ये अपने स्टूडेंट्स को डिग्री देने पे खाली, क्योंकि डिग्री तो मिल ही जाएगा उनको जब आ गए हैं, एडमिशन ले ली तो डिग्री तो मिल जाएगा, लेकिन वो एम्प्लॉयबल तो बने। आज हमारे पास जो हमारे केडी कैंपस में स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कह सकती हूँ मोर देन 30% स्टूडेंट्स वो टेक्निकल बैकग्राउंड से, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह करके आए हुए हैं, बीटेक है और उनके पास कोई नौकरी नहीं है, अब वो तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, अब उनको 1-1.5 साल के अंदर अगर नौकरी नहीं मिली तो आप समझ सकते हैं घर वालों से क्या प्रेशर होगा। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वहाँ आ रही हूँ जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी अभी तैयार अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ वो कोचिंग कर लेंगे जी, बिल्कुल। कल होके प्राइवेट जॉब्स में जाना है तो आप जाइए, क्योंकि आप प्लेसमेंट वालों को तो बुलाएंगे ही, ये प्लेसमेंट तो करवाते ही हैं, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट जॉब का उनको एक्सपोजर मिल जाए और अच्छी कोचिंग यहीं पर इनके ही कैंपस में मिल जाए तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 1-1.5 साल के बाद
जो स्टूडेंट्स होंगे वो ज्यादा इंक्लाइंड होंगे टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स के प्रति वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे. हालांकि यूनिवर्सिटीज का काम है प्लेसमेंट करवाना, दे विल हैव टू डू दैट. लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो इनकी सोच थी उसने मुझे पहले तो इम्प्रेस किया. बाद में मैं आज आई हूँ निम्स यूनिवर्सिटी, तब मैंने देखा कि सर कह रहे हैं ये शुरुआत है. मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 500 कोर्सेज शुरू करने के बाद ये कह रही है शुरुआत है. तो इनकी और मेरी सोच तो बहुत मैच करती है. ऐसा है कि निम्स तो बहुत डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है, इसीलिए ये शुरुआत है, तो फिर आगे क्या होगा. बिल्कुल पंकज जी, कैसा लगा? आप नीतू सिंह जी ने साफ तौर पे ये कहा कि ये तो शुरुआत है, और जब शुरुआत ऐसा है तो फिर आगे पता नहीं कैसा होगा. कितना कुछ करना पड़ा आपको मैनेज सब कुछ और निम्स को आगे तक ले जाने के लिए, आगे क्या क्या प्लान्स हैं आपके दिमाग में फिलहाल? नीतू जी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सबके लिए, सो आई एम नो डिफरेंट फ्रॉम दैट. तो सबसे पहला तो एक अटैचमेंट मेरा जो था मिलने से पहले ही इनसे हो गया. जब कहानी सुनी कि जब मिले तो पता चला कि जो पर्सनालिटी है दैट मैचेस द बैकग्राउंड एज वेल, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी. फिर इनका यहाँ पे आना और हम लोग को हमारा जो कॉमन एक गोल है उसमें एग्री होना, सो दैट इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर मी. जहाँ तक बात है निम्स के फ्यूचर की, एज आई स्टेटेड बिफोर कि वी वॉन्ट आई वॉन्ट दिस यूनिवर्सिटी टू बी ऑन द नंबर वन यूनिवर्सिटी इन इंडिया. और जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं आई डोंट बिलीव इन नंबर गेम्स जस्ट फॉर शेक ऑफ नंबर. ठीक है, हमारे को अपने एट्रीब्यूट्स पे राइज करना है. ठीक है, और हम लोग को हर एक क्षेत्र में हर एक फील्ड के अंदर अपने को उस जगह ले जाना है जहाँ पे कि लोग हमें कहें कि आप नंबर वन हैं. ठीक है, तो वो चीज़ तभी होगी जबकि हम लोग अपने आप को वी स्टार्ट बर्निंग आवर मिडनाइट ऑयल. ठीक है, जहाँ पे एक एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, जहाँ पे एक एक बच्चा एक एक स्टूडेंट मोटिवेटेड होगा. वो मोटिवेशन तभी आता है जब आपके पास कोई कॉज हो, जब आपके पास एक ऐसा फैक्टर हो कि जो आपको लगता है कि यू कैन पुट योर लाइफ ऑन स्टेक. तो कहते हैं ना कि व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर. तो व्हेन यू वांट समथिंग दैट डेस्परेटली, ठीक है, वो चीज़ आपको मिल जाती है. सारी डेस्टिनी आपके लिए कंस्पायर करती है. तो वी वॉन्ट दैट डेस्परेशन इन आर स्टूडेंट्स, इन आर एम्प्लॉयज फॉर सक्सेस एंड टू बी ऑन टॉप. बिल्कुल पंकज जी, आपको पूरा देश देख रहा है इस वक्त, निम्स यूनिवर्सिटी को लेकर आप पूरे देश को इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आगे बढ़ रहे हैं, जो किसी एक अच्छे संस्थान में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, खासतौर से निम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आप इस मंच से क्या कहना चाहेंगे? लगभग 16 ईयर्स से मैं यूके में हूँ और जब इंसान काफ़ी टाइम के बाद किसी चीज़ को देखता है तो उसको डिफरेंस जो है ज़्यादा ड्रामेटिक फील होता है. तो ये डिफ्रेंशिएशन मैंने देखा है यहाँ पे, और जो चीज़ मैंने देखी है कि आज मैं नीतू जी से शेयर भी कर रहा था कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का डिफरेंस मुझे लगा है इंडिया में जो 15-16 ईयर्स में आया है कि नंबर वन तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन डाइल्यूटेड ड्रामेटिकली. ठीक है, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली ए ट्रूथ विच वी हैव टू एक्सेप्ट. ठीक है, और सेकंड क्या है कि हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है दैट हैज़ कम डाउन एज वेल विच इज़ मोर स्केरी देन डाइल्यूशन ऑफ क्वालिटी इटसेल्फ. तो आज की डेट में हम जिसके लिए एस्पायर करते हैं क्या वो 100% है, क्या वो गोल्ड स्टैंडर्ड है? नहीं. तो हमें वो डिफ्रेंशिएशन लाना होगा सबसे पहले. सबसे पहले देखना होगा हम गलत कहाँ हैं. सुधरने की सबसे पहली जो एक कड़ी है, एक सीढ़ी है, वो ये होती है कि हमें मानना होगा हम गलत हैं. तो आज की डेट में अक्रॉस द नेशन कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आप उनसे पूछ के देखिए क्या आप गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ एस्पायर कर रहे हैं? नहीं. शॉर्टकट्स हैं एवरीवेयर, देयर आर शॉर्टकट्स. तो ये शॉर्टकट मेंटेलिटी खत्म करनी होगी. ठीक है, वी हैव टू अडॉप्ट द लॉन्ग रूट विच इज द करेक्ट पाथ. तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आई वॉन्ट टू गिव कि यू हैव टू वर्क हार्ड थ्रू ऑल वे, देन ओनली यू गेट सक्सेस. बिल्कुल नीतू सिंह जी, निम्स यूनिवर्सिटी आप आई, न्यूज इंडिया के ऑफिस आज आप पहली बार आई हैं, निम्स यूनिवर्सिटी के लिए के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ओवरऑल पूरे देश के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? जिस देश के बच्चे आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए भी जो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पेशेंटलेस हो जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान रहती हैं अपने करियर को लेकर, चूँकि उन्हें अपने परिवार से या हस्बैंड से माता पिता से किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है, उन हर एक महिला के बारे में आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी? हर एक छात्र, हर एक स्टूडेंट के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप अगर मुश्किलों से हारते हैं
और कहते हैं कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल एक्सक्यूजेस है, लेम एक्सक्यूजेस है। कुछ जिनको नहीं करना रहता है वो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, और जिनको कुछ करना है, आप बड़े बड़े लोगों का इतिहास उठा के देख लेना, वो बहुत गरीब परिवार से आए हैं, उनके माँ बाप उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, जो उन्होंने किया खुद किया। और बहुत बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, पूरा एम्पायर मिला तो उन्होंने यहाँ पूरा उड़ा दिया, विदेश में जाके आज ऐश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ संभाल नहीं पाए। तो ये एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आप मेहनत करिए। और कोई भी मुश्किल और महिलाओं के लिए है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अगर आप भी यही सोचने लगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल, इसलिए लोगों को सोचने दीजिए, आप अपना काम करिए, और कोई मुश्किल रास्ता नहीं रोकती, ये लेम एक्सक्यूजेस है। या तो ये मुश्किलें आपको मेक कर देगी या ब्रेक कर देगी, डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या करना चाहते हो, मेक या ब्रेक। बिल्कुल, और ये कहते भी हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का वाकई काम कहना ही होता है, और उनके कहने पर अगर हम वाकई चलें तो शायद हम अपना फोकस या फिर टारगेट वाकई भूल जाएंगे। माया जी भी हमारे साथ हैं, एक अलग ही शख्सियत है माया जी। माया जी, अपने अपनी बहन को सपोर्ट किया ये भी कह सकते हैं, आपने एक ऐसी महिला को सपोर्ट किया जिनके साथ किसी, जिनका साथ किसी ने भी नहीं दिया, उनके अपने हस्बैंड ने उनका साथ नहीं दिया, hats off to you, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन हर महिला को, हर छात्रों को? मेरी सिस्टर है इसलिए मुझे मैंने सपोर्ट किया, मैंने कहा ना कि मैंने सच्चाई का साथ दिया, अगर ये गलत होती तो मैं साथ नहीं देती, अगर ये सिस्टर भी होती तो साथ नहीं देती, लेकिन ये चूंकि सच्चाई के साथ थी और इसके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं इसके साथ जुड़ी थी 2012 में ही, और जब मैं इसके पहले वाले कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था, और 2012 में जब हमने ज्वाइन किया तो इसी कंपनी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ था, और उसके बाद मुझे भी बहुत इंसल्ट किया गया, इनफैक्ट मुझे भी वहाँ से निकाला गया। मैंने कहा था नीतू मैम को कि अगर ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर मैं किसी और कंपनी में देती तो शायद मुझे अवार्ड किया जाता, बट दिस इज द अवार्ड रिवॉर्ड दैट आई एम गेटिंग इन योर इंस्टीट्यूट। तो बहुत दुखी होकर, और मैं यहाँ पे एक रोकना चाहूंगी इन्हें, कि आज तक उस कंपनी में इनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, अभी तक ट्रायल एंड एरर चल रहा है, और आज केडी कैंपस का जो सक्सेस है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मैं एंटायरली मैं कहती हूँ 100% मैं इनको देना चाहूंगी, क्योंकि मेरा कनेक्शन स्टूडेंट से रहता है। मैं टीचर हूँ बेसिकली, मैं आपको बता दूं फ्रेंकली, मैं टीचर हूँ बेसिकली, मोटिवेटर हूँ, बच्चों से मेरा कनेक्शन है, लेकिन मैनेजमेंट की जहां तक बात है बस ये देखती है। इसलिए मैंने कहा कि वहां पर इन्होंने जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया था वो यहाँ भी दे रही है, और आज तक वहां पे इनको रिप्लेस कोई नहीं कर पाया। आई एम सॉरी टू इंटरफेयर, लेकिन ये मैंने कहा। एक बात और मैं बताना चाहूंगी, वी आर सिक्स सिस्टर्स, छह बहन हैं, सबसे छोटी है रितु मैम, और फाइव सिस्टर्स वी आर इन दिस केटी कैंपस। गुड, वेरी गुड और वेरी नाइस। तीन शख्सियत, अलग अलग शख्सियत, इन तीनों शख्सियतों से हमने आपको आज वाकिफ कराया है। हमने आपको निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पंकज सिंह जी से वाकिफ कराया। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार निम्स यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, हर मुमकिन कोशिशें चल रही हैं। माया चौधरी जी से हमने आपको वाकिफ कराया, ये एक ऐसी महिला हैं जो अपनी बहन को, जिन्होंने आगे बढ़ाया, और एक ऐसी महिला को आगे बढ़ाया जो वाकई परेशान थी। और नीतू सिंह जी, जिन्होंने केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड को खड़ा किया, और एक ऐसी महिला जो सशक्त है और आगे है, बढ़ रही है, लोगों को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।